और प्रदेश में यह सर है तो मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी को ही जाना चाहिए, क्योंकि इतना निकम्मी सरकार आज तक हरियाणा में आज़ादी के बाद नहीं आई। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहूँगा हुड्डा साहब से भी निवेदन करूँगा कि एक जैसे राज्यसभा की टिकट है वो बनियों को दी जाए ताकि बनिया भी सधे। मैं तो बाई बर्थ ही कांग्रेस का हूँ, मैं तो चाहे कांग्रेस टिकट दे ना दे, हम तो कांग्रेस की जय बोलते रहे हैं और आगे भी जय बोलते रहेंगे। अग्रवाल कम्युनिटी का सवाल है, वेस्ट कम्युनिटी का, जहाँ तक पूरी की पूरी कम्युनिटी यदि मुझको टिकट दी जाती है तो सारी की सारी एक वोट कांग्रेस को देगा। नमस्कार, आप देख रहे KNN मीडिया और मैं हूँ आपके साथ अरुण कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, लोकसभा के अंदर कांग्रेस ने जिस तरह से कमबैक किया है वो पूरे प्रदेश के लिए एक ऐसी मिसाल है कि भविष्य की अब चिंता होने लगी कि किस तरह की प्रदेश में स्थिति रहने वाली है। आज की हमारी खास मुलाकात में मौजूद हैं कांग्रेस व्यापारी सेल के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मुकेश तायल जी। तायल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके सभी श्रोताओं का, आपका। तायल साहब, बड़ी बात है, जिस तरह से आपने मेहनत की और उस मेहनत का फल भी मिला, देखा हमने ब्रह्मचारी के जीप पे आप सवार हुए, उसका फ़ायदा हुआ। गोहाणा से पहली बार जो है वो वैश्य समाज की भी, गोहाणा नहीं पूरे सोनीपत ब्लॉक से अगर कहें तो वैश्य समाज की काफ़ी ज़्यादा वोटें जो हैं वो कांग्रेस को मिली। पूरे हरियाणा से ही वैश्य समाज की वोट कांग्रेस को पड़ी हैं और महाराज जी की तो जीत स्वाभाविक थी। आपने मुझे श्रेय दिया है, आपका धन्यवाद है। और प्रदेश में यह श्रेय तो मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी को ही जाना चाहिए, क्योंकि इतना निकम्मी सरकार आज तक हरियाणा में आज़ादी के बाद नहीं आई जितनी भारतीय जनता पार्टी की रही। तो क्या लगता है भविष्य कैसा है? कांग्रेस का तो स्वर्णिम भविष्य है, लेकिन इसके साथ साथ मैं कहूँगा हुड्डा साहब से भी निवेदन करूँगा कि एक जैसे राज्यसभा की टिकट है वो बनियों को दी जाए ताकि बनिया भी सधे और एक मुश्त कांग्रेस को वोट डाले। बिल्कुल, जिस तरह से दीपेंद्र सिंह हुड्डा की एक बम्पर जीत हुई है, उसके बाद अब अरविंद शर्मा ने कितने सारे आरोप लगाए थे कि राज्यसभा का चोला उड़ गया, मत आओ, ये करो वो करो, लेकिन अब वो सीट खाली हो जाएगी और वो सीट बड़ी सोच समझ के कांग्रेस को हथियानी पड़ेगी कि ताकि आगे जो भविष्य में है वो फिर से वोट बैंक साध सके। वो तो काम चौधरी साहब का है, हुड्डा साहब का, टिकट किसको दें। लेकिन मैं भी 40 साल से कांग्रेस की जय बोल रहा हूँ और पार्लियामेंट में हमारा कोई सदस्य भी नहीं है हरियाणा से, है मुझ जैसे किसी कार्यकर्ता को टिकट दी जाए। बड़े बड़े नेताओं तो को तो मिलती रहती है। तायल साहब, आपने बड़ा संघर्ष किया है, कितने साल से कांग्रेस के अंदर हैं और क्या कुछ भूमिका रही है? क्योंकि टिकट मांगना और टिकट लेना और टिकट का दावा करना, तीनों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। मैं तो बाई बर्थ ही कांग्रेस का हूँ, मैं तो चाहे कांग्रेस टिकट दे ना दे, हम तो कांग्रेस की जय बोलते रहे हैं और आगे भी जय बोलते रहेंगे। तो क्या लगता है आपको, अगर वैश्य समाज को राज्यसभा की टिकट मिल जाती है तो क्या फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा क्यों नहीं होगा, पूरा हमारे हरियाणा के अंदर जाति को तो इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। जहाँ तक अग्रवाल कम्युनिटी का सवाल है, वेस्ट कम्युनिटी का, जहाँ तक पूरी की पूरी कम्युनिटी यदि मुझको टिकट दी जाती है तो सारी की सारी एक वोट कांग्रेस को देगा वैश्य समाज। वैश्य समाज के और भी तो नेता हैं। कौन नेता है? मेरे इंजीनियर तो कोई भी नेता नहीं है। बजरंग दास गर्ग रहे। बजरंग दास तो मेंबर भी नहीं था, वो तो वो सेल जाके कहने से हुड्डा साहब ने चेयरमैन बना दिया था। और 10 साल चेयरमैन नहीं करके सबसे पहले निकलते ही भाजपा में गया तो हुड्डा साहब को ही गाली दी थी सबसे पहले उसने। तब लोग
सकते हैं, अभी वैसे समाज का कोई दमदार नेता नहीं है कांग्रेस के पास? कांग्रेस के पास मेरे अलावा कौन है? कोई नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, वो काम होगा, कोई नहीं है, टक्कर में क्यों पड़े चक्कर में, दे दो राज्यसभा की टिकट मुकेश तायल जी को। हाँ बिल्कुल। क्या मतलब अभी क्या हालात क्या लग रहे हैं आपको, मतलब ये 5 सीट जो आई हैं, क्या लगता है इसके बाद चीज़ें बदलेंगी विधानसभा में? विधानसभा में तो हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस उपड़ा साफ करेगी। या देवीलाल का रिकॉर्ड है 80 सीटों का, वो टूट जाएगा आपकी बार। अच्छा, आपको लगता है 87 वाली लहर अब हुड्डा साहब चलाएंगे? बिल्कुल, जैसे ब्रह्मपुत्रा में पानी का करंट रहता है जो दिखाई नहीं देता, ऐसे ही करंट है लोगों। अच्छा, लोगों में करंट है। हाँ, हुड्डा के नाम का नहीं। आजकल ना जाट नॉन जाट या फिर कहें कि जाट और गैर जाट की राजनीति ज़्यादा हवा में है, और इसी के चलते बीजेपी ने भी जो है नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, हरियाणा राजनीति में कुछ ज़्यादा ही चमकता है, लेकिन हुड्डा साहब भी मंजे उड़ खिलाड़ी हैं, धरती से उठ के आए हैं, ज़मीन पर काम किया है। अब जैसे उनको कोई ये बात समझाना या समझना उनके लिए मुश्किल काम थोड़ी है। और देखा ना, हरिद्वार में एक बाबा पकड़ा और याद लाए, टिकट दी, जिताया बल्ले बल्ले कांग्रेस की। तो आपकी बल्ले बल्ले कैसे होगी? वो हुड्डा साहब ने देखना कैसी होगी। नहीं, ये तो बात है। चलो, एक राज्यसभा की सीट जरूर खाली होगी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो होगी वो, तो सारी चीज़ें होगी। लेकिन क्या लगता है आपके हिसाब से, ये आपको अगर देना है या वैश्य समाज को कहीं देना है, कितना फायदेमंद होगा? वैश्य समाज के बगैर हरियाणा में आज तक कोई सरकार बनी ही नहीं। ओम प्रकाश चौटाला साहब ने भी सरकार बनाई तो वो ये कहता था स्टेज, मैं ओम प्रकाश गुप्ता हूँ। अच्छा, मैं ओम प्रकाश अरोड़ा हूँ। इब अरोड़ा तो हुड्डा साहब के होने से रही, ये गुप्ता ही उसके मुझे टिकट दे के साथ सकते हैं हरियाणा में और सरकार बना सकते हैं। क्या बात है भाई। ये तो थे हमारे साथ मुकेश तायल जी, जिन्होंने बताया कि दीपेंद्र हुड्डा की बंपर जीत के बाद, या फिर कहें कि कांग्रेस के 5 सांसद आने के बाद, एक राज्यसभा की सीट दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अब खाली हो चुकी है। और मुकेश तायल जी की माने तो ये जो सीट है अब वो वैश्य समाज की होनी चाहिए, और वैश्य समाज में मुकेश तायल जी ने बताया कि इनका ज़्यादा इनका अनुभव है, और 40 साल का जो जिस तरह से चीज़ें हैं, 40 साल आप कांग्रेस में लगाए, बाई बर्थ कांग्रेस में लगाए हैं, और अगर इन्हें यह टिकट मिलती है तो निश्चित तौर पर पूरे हरियाणा में वैश्य समाज की वोटों का एक तरफा रुझान वो कांग्रेस की तरफ होगा।